एक बड़े पत्रकार एक घराने ने 62 पत्रकारों को नौकरी से एक झटके में निकाल दिया। सुबह जब आए पत्रकार ड्यूटी के लिए तो वॉचमैन ने कह दिया कि आपकी जरूरत नहीं, आपका नोटिस है, आप अंदर नहीं जा सकते। वो हमारे कार्यालय पर आए, हमने कहा चलिए कुछ करते हैं। बोले सर हम नहीं जाएंगे, जो करना वो आप करो। मैंने कहा फिर जो मैंने करना वो कर दिया और जो होना था वो हो गया। मैंने कहा दुनिया में चलता नहीं, मुदई सुस्त और गवाह चुस्त, ये बहुत दुनिया में चलता नहीं। इसलिए ये बरादरी अपनी मांगों पर उतना ही खामोश रहती है जितना दूसरों की मांगों को उठाने में सक्रिय रहती है। छोटी छोटी समस्याओं को वो सक्रियता से उठाते हैं और बहुत सारी समस्या इसलिए समाधान होता है कि मीडिया में उसकी चर्चा हो जाती है, किंतु अपने बारे में आज देखिए कोई पत्रकार संगठन, मैं बहुत पत्रकार संगठनों को जानता हूं, कोई इसके लिए जवाबदेह है क्या? क्या 1980 के बाद सेकंड प्रेस कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का हुआ क्या? इसकी आवाज 1982 से लेकर 2019 तक उठी क्यों नहीं? इसकी आवाज क्यों नहीं उठी? 82 से लेकर और 2019 आते आते पिछले 30, 32, 35, 37 सालों में मीडिया की कितनी शक्ल बदल गई? आज पहले जैसा मीडिया है क्या? आज पहले जैसा मीडिया नहीं। आज क्षमा करना, अखबार पढ़ना यह बहुत दूर की बात हो गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होड़ लगी है, सबसे पहले कौन इसकी होड़ लगी है, और इसके बाद एक होड़ और लगी है सोशल मीडिया में। मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई इनको अभी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा पवन जी बोलते हुए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला भी एक घंटे बाद दिखाएगा, उससे पहले तब तक तो वायरल हो जाएगा मैसेज। ये मीडिया की शक्ल बदल गई, वेब मीडिया आ गया। जैसे ही प्रेस नोट जाता है बड़े पत्रकार बड़े हाउस तुरंत अपने वेब पोर्टल पर उसको डाल देते हैं, जिसको उठाना उठाओ। किंतु इस सब काम करने वाले पत्रकार मित्रों ने अपनी समस्या को लेकर उठाया क्या? आज भी मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहता हूँ, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सारे साथी बैठे हैं, किसी चैनल पर ये समाचार चलेगा क्या? किसी समाचार पत्र में छपेगा क्या? हाँ छपेगा, किसमें छपेगा? जो स्थानीय पत्रकार है जिसकी 200-500 कॉपी छपती है वो खुद मालिक है, खुद पत्रकार है, मालिक भी है, रिपोर्टर भी है, एडिटर भी है, सब कुछ है, वो छापेगा। किंतु कोई बड़ा प्रेस, कोई बड़ा हाउस इसको छापेगा क्या? तो मुझे डाउट है कि इसको कोई छापेगा, मुझे ये डाउट है। क्यों? क्योंकि जो छापेगा अगले दिन वो नौकरी करेगा क्या? ये उसके सामने संकट है। और जब से ठेका पड़ता आई है, ए भैया ए फोटो थोड़ा उधर बैठो यार, 10 मिनट बात करना, तुम ही अपना बीच में धंधा शुरू कर दिया यार, तुम भी वो तो गरीब आदमी। पर ये जब से ठेका पड़ता आई है इस जगत में, तब से और मामला चौपट हो गया। आज पत्रकार को कहा जाता है परमानेंट नौकरी करोगे तो मजीठिया आयोग के हिसाब से आपको इतना मिलेगा, और ठेके पर आ जाओ आपको इतना मिलेगा। पत्रकार तुरंत कहता है मेरे को ठेके में कन्वर्ट कर दो। वो तुरंत अपनी पक्की नौकरी को ठेके में कन्वर्ट करवाने के लिए तैयार रहता है। उत्साह तो बहुत है, 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा,
किंतु कितने महीने मिलेगा वो परमानेंट वाला 58 साल तक 60 साल तक लेगा, इसको कितने महीने मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। ये बड़ा संकट है इस इंडस्ट्री का, एक गंभीर संकट है, इस पर विचार करना चाहिए पत्रकार मित्रों ने। और सरकार के सामने जाने से पहले अपना घर कैसे ठीक होगा, क्योंकि अगर लड़ना किसको है और किसके लिए लड़ना है, हमको लड़ना है अपने लिए लड़ना है। पहले हम ये बता करें, हमको लड़ना अपने लिए लड़ना है। बहुत देर से हम एक बात कर रहे थे, सरकार ने कोई कमेटी वमेटी भी बना दी कि जो जर्नलिस्ट एक्ट बना हुआ वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट उसमें संशोधन करके कुछ करिए, सरकार ने कोई कमेटी वमेटी बना दी। हम भी मांग कर रहे हैं कि साहब उसमें ये होना चाहिए, वास्तव में मांग ये होनी चाहिए। ईमानदारी से बात करूं तो हमारा रिप्रेजेंटेशन उसमें है क्या? पत्रकारों के प्रतिनिधि उस कमेटी में है क्या? अगर उस कमेटी में पत्रकारों के प्रतिनिधि नहीं है तो उस कमेटी का कोई मतलब नहीं, कोई रेलेवेंट है। हम जितनी मर्जी सुविधाएं मांगते रहे कुछ होना जाना नहीं। क्यों? आज सबसे बड़ा संकट क्या आया है पत्रकार जगत में, आज एडिटर नाम की पोस्ट खत्म हो गई। एडिटर नाम की कोई पोस्ट बची नहीं, तकनीकी दृष्टि से कुछ होगा तो आप उसकी बात मेरे से मत करिए। आज वहां का मालिक एक प्रकाशन हाउस बनाता है, खुद न्यूज एडिटर, चीफ एडिटर, क्या क्या एडिटर बन जाती है, और एडिटर के नाम पर उस कमेटी में जाकर मालिक बन जाता है। मजिठिया आयोग में ये हुआ कि नहीं आपके साथ? मजिठिया आयोग की रिपोर्ट लटकी क्यों? लटकने के बाद नोटिफिकेशन होने के बाद भी आज तक मिली क्यों नहीं? पूरी तरह लागू क्यों नहीं हुई? तो इसलिए लागू नहीं हुई कि लागू करने वाला, घोषणा करने वाला, देने वाला सब एक ही व्यक्ति है। एक हाउस के लोगों से आपको एक नाम नहीं लेता हूँ एक हाउस का, किंतु बताता हूँ आपको, एक बड़ा हाउस है हिंदी समाचार जगत का, उसने अपने सारे ब्यूरो चीफ को बुलाया, सारे ब्यूरो चीफ को हिंदुस्तान के, और कहा इस डॉक्यूमेंट को साइन करो। केवल 4 लोगों ने पूछने की हिम्मत की कि आप साइन कहाँ करवा रहे हो, 600 कुछ लोग हैं, 600 कुछ लोगों में से 4 लोगों ने ये पूछने की हिम्मत की कि क्या आप साइन कहाँ मांग रहे हो हमारे। उनको थोड़ा धमकाया गया, थोड़ा समझाया गया, थोड़ा चमकाया गया, उसमें जब 2 और सरेंडर कर गए, दोनों का बिना पढ़े साइन नहीं करेंगे, बोले ठीक है आप जा सकते हो। अगले दिन आए तो वाचन ने बोल दिया सब आपकी एंट्री बैन है, आपका ये हिसाब किताब है, ये लिफाफा है, इतने साल की आपकी नौकरी है, इतने साल की आपकी ग्रेचुटी है, इतने साल का आपका चेक है, ये पीएफ है, ये फलाना है, दिमकाना है, आप लीजिए और जाइए। केवल 2 लोगों ने पूछने की हिम्मत की। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो कौन आपकी मांग पूरी करेगा और किसके लिए करेगा, ये विचार विचार करो आप गंभीरता से। मैं केवल मुझे वो मीठा मीठा आता नहीं, मैं आपकी मांग का समर्थन करता हूँ, करके जा सकता हूँ यहाँ से, आप भी राजी हो जाएंगे। इन्होंने बताया बहुत कुछ कर देंगे, करेंगे क्या? करेंगे तो तब जब करवाने वाले सक्रिय होंगे, करवाने वाले सक्रिय होंगे तब तो कुछ करेंगे, लेने वाले सक्रिय होंगे तब तो कुछ करेंगे। आज इसलिए गंभीरता से विचार करो, ये प्रेस काउंसिल रहनी चाहिए क्या, या इसका आज मोदी जी ने बहुत कुछ बदला, प्लानिंग कमीशन चला गया, नीति आयोग आ गया, ये एजेंसी चली गई, ये आ गया, बहुत अच्छा है। ये प्रेस काउंसिल कब जाने वाली है,
ताकि टोटल मीडिया इसमें कैसे कवर होगा, वो सोशल मीडिया होगा, वेब मीडिया होगा, पोर्टल होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, और हम एक शब्द और बोल रहे हैं अदर मीडिया, क्योंकि आज मुझे नहीं पता है 20 साल बाद इस मीडिया जगत में क्या आएगा, किसी को नहीं पता। आपको भी नहीं पता था कि इतना सोशल मीडिया और वेब मीडिया और पोर्टल मीडिया इतना हावी हो जाएगा। हम में से 20 साल पहले किसी ने इसको अज्यूम नहीं किया था, नहीं सोचा था हमने। उसको कब करेंगे, वो मीडिया काउंसिल चाहिए, मजीठिया आयोग को बीते हुए तो समय बीत गया, सातवां वेतन आयोग आ गया, फलाना हो गया, धिमकाना हो गया, इन पत्रकारों के लिए नया वेतन आयोग कब बनाने वाले। और नया वेतन आयोग बनाने से पहले जब तक आप जर्नलिस्ट एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करोगे, जर्नलिस्ट एक्ट में, तो उसका कोई मायना नहीं। तो जर्नलिस्ट एक्ट में अमेंडमेंट मांगनी है, वो चाहिए हमको। पहले उस एक्ट को ठीक, आजकल रिफॉर्म का जमाना है, किसी मंत्री से पूछो, अभी जाकर लेबर मिनिस्टर से पूछो, फाइनेंस मिनिस्टर फुर्को मिनिस्टर बना हुआ है, उनसे पूछो। कोई आप जैसे बहुत सारे मित्र उनके इंटरव्यू को नहीं समझाते हैं, बोले लेबर लॉ, बोले रिफॉर्म करेंगे, एक झटके में बोलते लेबर लॉ रिफॉर्म करेंगे, बोलते कि नहीं बोलते। आप लोगों ने बहुत बार ये सब सुना होगा, उनसे एक दिन पूछ लो कि पत्रकारों का जो कानून बना हुआ उसमें रिफॉर्म कब करोगे, जरा एक बार पूछो ना भाई। आप लेबर लॉ में रिफॉर्म कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, क्वालिफिकेशन कर रहे हो, ये जो बिजनेस कर रहे हो। अभी चार दिन पहले दूसरे मामले पर मेरी लेबर सेक्रेटरी से मीटिंग हुई, तो ये जो बिजनेस की बहुत जोर से चर्चा करते हैं। मैंने कहा सेक्रेटरी साहब एक बात तो बताओ, बोले क्या, मैं ईज ऑफ लाइफ कब होगा, ईज ऑफ बिजनेस ही करते रहोगे या ईज ऑफ लाइफ भी होगी। तो उस एक्ट के माध्यम से कैसे बदलाव होगा इसकी चिंता करिए। अगर वो सब चिंता नहीं होगी तो बहुत सारी चीजों की घोषणा भी हो जाएगी। अब पेंशन, सरकार पेंशन को कभी भी रिव्यू कर देगी, आज 1000 मिनिमम पेंशन है ईपीएफ की, बढ़ा देगी, आपको मिलेगी क्या, आप विचार करो आपको मिलेगी क्या। वो थोड़ा सेगमेंट होगा, 10% 5%, जिसको शायद कुछ बेनिफिट हो जाएगा, 90% का क्या होगा। आज सोशल सिक्योरिटी कोड बन रहा है, IR कोड बन रहा है, IR कोड में हमको कोई सुविधा मिलेगी क्या। अभी एक कोड बना दिया सरकार ने पार्लियामेंट में, स्टैंडिंग कमेटी ने शायद पार्लियामेंट को कर दिया रिटर्न, ब्रेज कोड बनाया, बहुत अच्छा कानून बनाया इस सरकार ने, एक अच्छा कानून बनाया। सारे देश में कम से कम फ्लोर वेज होगा, उसे कम नहीं दे सकते, उसे अधिक दे सकते हो, आपके ऊपर लागू होगा क्या, आप उसमें आएंगे क्या, उसके दायरे में। बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं आज पत्रकार जगत के सामने, बहुत सारे प्रश्न खड़े हैं पत्रकारों के सामने, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा है सामने। इसलिए मित्रों गंभीरता से सवालों पर विचार करो। पत्रकार संगठन बहुत काम कर रहे हैं पहले से, हम भी कर रहे हैं, किंतु पत्रकारों की समस्याओं का समाधान हो उसके लिए विचार करो। अगर वो नहीं होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक उस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका दायरा ही छोटा है, और वो छोटा भी नहीं है। ईमानदारी से बचपन में जब बना था वो कानून, उस समय जो कुछ था उसके आधार पर कानून बन गया था, बचपन से आज 60 साल हो गए, उस समय वो ठीक था, आज वो ठीक नहीं है। सरकार आईटी एक्ट में बदल कर रही है, सरकार पेमेंट और वेजी एक्ट में। अच्छा एक बात बताइए, आपको बोनस कानून में सरकार ने बदलाव किया, आपको बेनिफिट हुआ क्या, कुछ बहुत कम लोगों को हुआ होगा। सरकार ने बोनस कानून में इतना बड़ा अमेंडमेंट कर दिया, लाभ हुआ क्या,
सरकार ने मिनिमम एज कानून में बढ़ा दिया 40%, आपको लाभ हुआ क्या? सरकार ने ग्रेच्युटी बढ़ा दी 10 लाख से 20 लाख, आपको बेनिफिट होगा क्या? सरकार ने कर दिया ईमानदारी से, ग्रेच्युटी बढ़ा दी, मिनिमम वेज बढ़ा दिया, सरकार ने बोनस बढ़ा दिया, सरकार ने कई चीजें बढ़ा दी, आपको बेनिफिट होगा क्या? आप उस व्यवस्था में नहीं रहेंगे, उस सर्कल में नहीं रहेंगे, सर्कल से बाहर रहेंगे तो लाभ तो सर्कल वालों को होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि अपनी समस्याओं को जानिए और अपनी समस्याओं को उठाइए हर प्लेटफॉर्म पर। और जब भी किसी मंत्री की पत्रकार वार्ता में जाते हैं तो एक आध सवाल पत्रकारों के लिए पूछ लीजिए, क्या दिक्कत क्या है? नहीं छपेगा, नहीं छपेगा, कम से कम 20 लोगों में चर्चा तो करोगे। हाँ, उसके लिए एक दूसरी बात जरूर अंतिम बात करके बैठता हूँ, अपनी नॉलेज अपडेट करिए। हम भी क्या करते हैं, आधी अधूरी नॉलेज के आधार पर सवाल पूछते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति से आधी नॉलेज के आधार पर जब कोई सवाल पूछता है तो हम भी आधा अधूरा जवाब दे करके उसको विदा कर देते हैं, उसको जो छापना होता है वो छाप देते हैं। आज वास्तव में एक बड़ा मुद्दा जो होना चाहिए, इन पत्रकारों के लिए जैसी लाइब्रेरी चाहिए सरकार की है क्या? सरकार का किसी मैनेजमेंट की होगी, किसी ने अपनी पर्सनल बना रखी होगी, सरकार की लाइब्रेरी है क्या? सरकार के पास कोई लाइब्रेरी नहीं पत्रकारों को अध्ययन करने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ सके, उसके लिए कोई प्रेस क्लब बनाया? ईमानदारी से बताना, प्रेस क्लब जिस उद्देश्य से बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति करता है क्या? थोड़ा भगवान करे जल्दी आ जाए, किंतु सवाल कैसे बताओ, किंतु एक सवाल है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया था अगर उस उद्देश्य की पूर्ति करता तो इतना पुराना संस्थान, अच्छे अच्छे पत्रकारों के जगत में ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान पहले से हो जाता, नहीं हुआ। इसलिए जरा थोड़ा सा अपने बारे में गंभीरता से विचार करिए और मेरा निवेदन इतना ही है, अगर आप अपने बारे में गंभीर हो जाएंगे, आप गंभीर हो जाएंगे तो सरकार को गंभीर करने में कोई बड़ा काम नहीं है। और ध्यान रखना, भारतीय मजदूर संघ की सरकार के बारे में नीति बहुत साफ है, सरकार सरकार है। भारतीय मजदूर संघ किसी सरकार का पिछड़कू नहीं है।